किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से एसडी कार्ड में डाउनलोड या फिर केलो मेमोरी कार्ड में डाउनलोड कैसे करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से एसडी कार्ड में डाउनलोड करना तो क्या ये पॉसिबल है, क्या इसका रियलिटी क्या है, क्या आप सच में किसी भी ऐप को अपना एसडी कार्ड में या फिर केलो अपना मेमोरी कार्ड में क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। हाय गाइस, मैं हूं जहांगीर और आपका टेक जेके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टेक जेके यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाए रोजाना ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड करना और एसडी कार्ड में कॉपी करना तो क्या ये पॉसिबल है, क्या आप कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका फोन रूट होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं रूट क्या होता है या फिर रूट करने के क्या क्या फायदे या फिर क्या क्या नुकसान है या फिर हमारा फोन रूट करने से क्या हमारा फोन डेड हो सकता है या फिर क्रैक हो सकता है, तो इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंटरनेट में कई सारी वेबसाइट या फिर कई सारी आर्टिकल मिल जाते हैं और अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो आपको कई सारी ऐप्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपको आसान तरीके से बताया जाता है इस तरीके से किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से एसडी कार्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कई सारी ऐप जो है वीडियोज में ऐप की मदद से बताया जाता है या फिर कई सारी जो है वीडियो में आपको रूट की मदद से बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका फोन रूट है तो आप किसी भी ऐप को एसडी कार्ड में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। चाहे आप किसी भी टिप्स को फॉलो कर लो या फिर कोई भी वीडियोस देख लो या फिर किसी कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, ये एक पॉसिबल नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन रूट है तो आप अपना किसी भी ऐप को डाउनलोड करके अपने एसडी कार्ड में रख सकते हैं या फिर आप कॉपी कर सकते हैं। ऐसे कई सारी वीडियोस में आपको ऐप की मदद से बताया जाता है, उसमें एक फेक होता है जो कि आपको जो भी ऐप जो है दिखाया जाता है वो एक हाइड करके दिखाया जाता है जिसके कारण आपको अपने जो है इंटरनेट स्टोरेज पे दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में अगर आप एसडी कार्ड में देखना चाहो तो आप आसान तरीके से देख सकते हैं। ये एक जो है थर्ड पार्टी ऐप होता है या फिर एक फेक एप्लीकेशन होता है जिसके कारण आपका फ़ोन कभी भी कुछ भी हो जाता है, जो कि आपका फ़ोन एक सिक्योर नहीं होता है और कभी भी आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है, हैक हो सकता है, ऐसे में कई सारी आपके सामने प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं जो है किसी भी ऐप को डाउनलोड करके एसडी कार्ड में इंस्टॉल करना तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या आप किसी भी ऐप को अपने एसडी कार्ड में जो है कॉपी करके या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का ये मतलब था जो इसका रियलिटी क्या है और इसका सच क्या है जो आपको भी पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और टेक जेके यूट्यूब चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, रोजाना ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।